हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुमताज ब्लॉगर के साथ। नया सफर और नई चीजों के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम, और आज हम आपको दिखाएंगे स्पेशल चीज। आज हम बनाने जा रहे हैं कचनार की सब्जी। आपने सुना ही होगा कचनार के बारे में, तो उसके साथ साथ मैं बनाऊंगी आज अचार। मैं आपको अचार बनाना सिखाऊंगी कचनार का। तो देखिए, मैंने कचनार तोड़ के लाई हुई है और मैंने उसको बॉईल कर लिया है, हल्का हल्का बॉईल कर लिया है, और उसको सुखाकर मैं अब बनाने जा रही हूँ अचार। तो मैं आपको दिखाती हूँ कचनार। तो ये देखिए, ये मेरी हाफ बॉईल की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए ये हाफ बॉईल कचनार है, और ये कचनार को मैंने अच्छे से धूप लगा के सुखा लिया है। तो देखिए, मैंने अच्छे से धूप लगा के इसको सुखा लिया है, और अब मैं इसका प्रोसेस आगे चालू करूंगी। इसको बनाना कैसे कैसे बनाना, जैसे मैंने इसके लिए इंग्रेडिएंट ले लिए हुए हैं, क्या क्या इसमें डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने ये नमक लिया हुआ है, और ये सौंफ और जीरा लिया हुआ है, और हल्दी, मिर्च, और ये लाल देगी मिर्च कश्मीरी, और धनिया पाउडर, और ये विनेगर आप देख सकते हैं, ये व्हाइट विनेगर है, इसको भी मैं इसमें यूज करूंगी। और ये मैंने साथ में ले लिया है ऑयल सरसों का। तो चलो मैं अब बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, मैंने ये ले लिया है, अब मैं इसमें ये धीरे धीरे करके, जैसे नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये देखिए, नमक डाल दी, और ये मैंने ये खड़ा ही रखना है आपको, ये पीसना नहीं है आपको जीरा पाउडर, और ये नहीं बनाना है आपको, ऐसे ही डाल देना है इसमें। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है फूलने के बाद। और ये देखिए, ये मैंने धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, ये पेस्ट वो बना लिया पाउडर, अब मैं इसको भी डालूंगी स्वाद के लिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का इसमें डालूंगी मसाले को, ये मैंने डाल दिया इसमें। और इसमें ये हल्दी डाल देनी है हमें, हल्दी भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ज़्यादा तो नहीं यूज़ करनी, वैसे मैक्सिमम 2 चम्मच तो आपको डालने ही पड़ेंगे हल्के हल्के। और ये आ गई लाल मिर्च तरी वाली, ये क्या करेगी कि आपकी इसको अच्छा सा कलर देगी, ये हल्की सी ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। और उसके बाद डालेंगे हम मिर्च, मिर्ची अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, जितना आप खाते हो उसी हिसाब से डालनी है, 2 चम्मच काफ़ी हो जाते हैं इसमें। और ये डाल दिए, और मैंने ये साथ में ले लिया है हींग, हींग भी आपको स्वाद अनुसार डालना है। ये देखिए, मैंने इतना सा हींग ले लिया, ज़्यादा नहीं डालना, बस हल्का सा हींग डालना ताकि इसमें खुशबू बहुत प्यारी सी आए। और उसके बाद डाल देना है हमने इसमें ऑयल, हल्का सा ऑयल डाल देना आपको, देखना है अपने हिसाब से आपने इसमें ऑयल डाल देना, हल्का सा मैंने ऑयल डाल दिया है। और उसके बाद हम इसमें हल्का सा हींग डालना ताकि इसमें खुशबू बहुत प्यारी सी आए। और उसके बाद डाल देना है हमें इसमें ऑयल, हल्का सा ऑयल डाल देना आपको, देखना है अपने हिसाब से आपने इसमें ऑयल डाल देना, हल्का सा मैंने ऑयल डाल दिया है। और उसके बाद हम इसमें कर देंगे विनेगर ले लिया, अब इसमें विनेगर डालेंगे। पहले तो आपको इसको शेक करना है, अच्छे से शेक कर लेना, नहीं तो इसका सही पन तो नीचे बैठ जाता है। इसको विनेगर को अच्छे से शेक करके अब हमें डाल देना है अपने हिसाब से, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, अपने हिसाब से इसमें डाल देना। तो ये देखिए, मैंने इसमें विनेगर डाल दिया है अपने हिसाब से, अब इसको मिक्स कर लेना, अच्छे से मिक्स करना है मुझे, देखना है ये चम्मच भी सूखा हो, अगर लकड़ी का हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो कोई भी चम्मच चल पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सूखा होना चाहिए। देखो, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, और देखते जाना इसमें बहुत ज़्यादा ये मतलब सोख लेती है आपके ऑयल को भी सोख लेती है, और साथ में ये बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो इसी वजह से इसमें थोड़ा सा ध्यान से इसमें और ऑयल ऐड कर देना। देख लीजिए, थोड़ा सूखा है तो इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया हल्का सा, खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है इसमें। इसी तरह आपको इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो ये एक डब्बा ले लूंगी। ये देखो, मैं इसे पहले से ही अचार का डिब्बा मेरे पे पड़ा हुआ था, इसमें मैंने आम का अचार डाला था, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो मैं इसी में ही डाल दूंगी क्योंकि ये अच्छा डिब्बा है मेरे पास। तो मैं अब इसमें धीरे धीरे करके ये सारा अचार इसमें डाल दूंगी। इसी तरह सब अचार इसमें डाल देना हमें। तो ये देखिए, मैंने अपना अचार इसमें डाल लिया है, और इसको एकदम टाइट करके आप रख दो, और इसको कम से कम नहीं तो मतलब 15-20 दिन इसको अच्छे से धूप लगानी ताकि ये अच्छे से गल जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त होती है, ये विनेगर की वजह से और हार्ड हो जाती है, तो इसको जब आप धूप में रखोगे तो ये अच्छे से नरम हो जाएगा, और ये बहुत ही टेस्टी और लाभदायक और औषधि वाला ये आपका अचार है, इसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो खाने के लिए।
तो ये देखिए मेरा अचार बन चुका है, तो आप भी इसी तरह बनाइए और खाइए और इंजॉय लीजिए। और चलो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।